हा सामना घेऊन जात होतो, पण दोन मोठे स्ट्रोक्स आले आणि त्यानंतर इराकी ग्लोरियस हा संघ विजयाच्या दिशेने अग्रेसर होताना पाहायला मिळालेला आहे. आता जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे फक्त एका धावेची. वन रन स्टील रिक्वायर्ड टू विन. एक बार फिर देखिए घेरा बनाया हुआ है, एक रन की जरूरत. अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पहली गेंद पर तो बिल्कुल रन नहीं आया और डॉट बॉल के साथ शुरुआत. सभी फल का यह पहला मुकाबला आप देख रहे हैं और नितिन पाटुक इस पर स्ट्राइक रेन पर 55 रनों का लक्ष्य. इस पर फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर और उसके साथ अगर देखें तो इस टकर पर खिलाड़ी तैनात है. इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला क्योंकि अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार है. पांच गेंदों का खेल, एक रन की जरूरत है. इराकी वॉरियर्स जीत की दहलीज पर 54 विकेट के नुकसान पर. उड़ाया आसमान की तरफ हवा में गेंद, उस्मान या एक बार फिर बॉर्डर पर खिलाड़ी है आकाश, लिया कैच. मैच समाप्त नहीं है, मुकाबला समाप्त नहीं है, यह क्रिकेट का खेल है. बिल्कुल इस वक्त इस वक्त अगर देखे तो अनिश्चितता है इस खेल में. दर्शक एक बार फिर जगते हुए जगाने का काम किया, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा. मैच समाप्त नहीं है, मैच ऑन है. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आणि त्या समय बघा अजूनही एका धावेचीच गरज आहे आणि आता बॉल शिल्लक आहे चार, चार चेंडू एका धावेची गरज. सामना काय रोमांचक बनलेला आहे. प्रेक्षकांना जे हवं होतं ते प्रेक्षकांना मिळते, कारण प्रेक्षकांना एकतर्फी सामना पाहायचा नसतो. प्रेक्षकांच्या लक्षात एकतर्फी सामना राहत नाही, शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचणारा सामना प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतो आणि हा उपांत्यपर्यंत सामना शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचलाय. चार चेंडू आवश्यकता एका धावेची. पीछे पवले नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं और क्या बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक गेंदबाज की तरफ से रही है. योगेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, फील्डिंग देखे, थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है. ऑन साइड पर फिलहाल कव कॉर्नर पर खिलाड़ी है, उसके साथ मिडान पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर पॉडिनर पर खिलाड़ी है. शॉर्ट मिड विकेट आप देख रहे हैं इस वक्त विजय स्ट्राइक रेन पर. ऑफ के बाहर गेंद, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, रन लिया और रन न चुरा लिया है. बस इसी के साथ इराकी ग्लोरियस टीम ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है. कुछ का कोई ठिकाना नहीं है. कमेंट्री पैनल नमस्कार, पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 कसं काय ठाणेकर. आणि आता आपल्या सोबत टॉस साठी जॉईन होणार आहेत माननीय खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय